डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉल सही चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉल सही चाहिए लड़कों। एलिसन, एलिसन, गुड पास, चांस नाउ, गाको, गाको! Henderson win it again. I don't know. Darwin Nunes, Darwin, Fabinho, still Fabinho. Chance now. Salah has to cross it. Bad cross. Harvey Elliott. Goal! Darwin Nunes! Yes! सॉरी, लेकिन मैं अपने इमोशंस को आज बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है प्रीमियर लीग का और ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर टॉप फोर। दिस इज इंपेरेटिव, दिस इज क्रूशियल, दिस इज अ लाइफलाइन एंड डार्विन नूनेस अनाउंसेस हिमसेल्फ अगेन अगेंस्ट द बिगेस्ट राइवल लिवरपूल विल एवर हैव। मैच में चंद ही घड़ियां बाकी हैं, चंद ही क्षण बाकी हैं और एक ऐतिहासिक जीत, एक तारीखी जीत, हिस्टोरिक विन मिलने वाली है लिवरपूल को। मैंने तीन लैंग्वेजेस में एक ही चीज बोली है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और यर्गन क्लॉप इस वक्त, यर्गन को भी यकीन नहीं हो रहा कि 7-0 स्कोर लाइन है। 7-0, इट्स 7-0, इट्स 7-7-7-7-7-7-7। अगर आपने फ्रेंड्स देखा है और आप मोनिका को जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों बोला है। सेवन 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 सेवन। दिल मांगोगे तो जान देंगे, एनफील्ड आओगे तो चीर देंगे। एक महान आदमी ने ये लफ्ज कहे थे, एक बहुत ही महान आदमी है और वो महान आदमी मैं हूं। ये जो है ना समर काफी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, बट लेट्स कम टू द एनालिसिस ऑफ द गेम, वो मैं थोड़ा सा करना चाह रहा था। एंड बहुत ही हिस्टोरिक विन, ऐतिहासिक तारीखी विन, एंड आई थिंक जितना भी लिवरपूल को सराहा जाए कम है। जिस तरह की प्रेसिंग इंटेंसिटी शो की लिवरपूल ने, आई थिंक वो टॉप नॉच थी और हमें पहली बार इस सीजन लगा कि लिवरपूल जो है वो टू सम एक्सटेंट जो पुरानी वाली लिवरपूल है, द लिवरपूल वे है खेलने का, उसमें वो वापस आ चुकी है। बहुत ही प्राउड फील हुआ मुझे कि जो हमारी परफॉर्मेंस थी वो पहली बार ऐसा लगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस थी। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा एबिस्मल परफॉर्मेंसेज दी हैं इस सीजन, ब्रेंटफर्ड हो, ब्राइटन हो, वो लीड्स वाली गेम हो एनफील्ड पे, बहुत ज़्यादा जो है ना परफॉर्मेंसेज का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप ऑफ हुआ है। बट इस मैच के अंदर एक तो 8 शॉट्स ऑन टारगेट जाना और 8 में से 7 शॉट्स ऑन टारगेट जो है वो गोल हो जाते हैं, लक भी थी लिवरपूल के साथ, खासतौर पे जो सलाह का जो पहला वाला गोल था वो जो लक के डिफ्लेक्ट होके आया, इट जस्ट यू नो फेल राइट इन द पाथ ऑफ सलाह स्पीड, तो वो जो था एक फिनिश बहुत अच्छा था एक, तो ये मैं कहूँगा। बट लक भी थी एंड यू नो क्लिनिकलिटी भी शो की। 2.9 का XG था लिवरपूल का और उसमें से 7 गोल स्कोर कर देना, आई थिंक टॉप नॉच क्वालिटी। और XG की क्रिएशन भी अच्छी खासी है लेकिन बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स पे जाके, जो एक कहते हैं ना क्लिनिकलिटी जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो था। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो प्रेसिंग थी वो फ्यूटाइल थी, फ्यूटाइल बोले तो पॉइंटलेस, टोटली पॉइंटलेस। एक तो आप जो मैंने चीज़ नोटिस की, ब्रूनो फर्नांडिस लेफ्ट साइड पे खेल रहा था, अपना वेग हॉस्ट कैम खेल रहा था, रैशफर्ड वॉज प्लेइंग लाइक अ सेंटर फॉरवर्ड, तो रैशफर्ड को तो बहुत आराम से कोनाटे ने और ट्रेंट ने बहुत आराम से उसको मैन मार्क कर लिया और डबल अप किया। हार्वी एलियट ऑलरेडी ट्रेंट की हेल्प कर रहा था एंड वो आराम से ब्रूनो को मार्क कर रहा था एंड ऑल्सो ही वॉज डीलिंग विद कैसेमिरो एट द सेम टाइम। हार्वी एलियट की कमाल गेम थी, आई थिंक दिस इज हिज बेस्ट गेम इन अ लिवरपूल शर्ट अगर मेरे से पूछो। डिफेंसिव जो उसने सॉलिडिटी दिखाई, टेनेसिटी शो की, वर्क रेट शो किया एंड उसका एक काम था कि उसने एक तो मिडफील्ड को स्ट्रेच करना है राइट हैंड साइड पे, जो राइट फ्लैंक है उसने पूरा स्ट्रेच किया जहाँ पे कैसेमिरो स्टेशन था। और मुझे समझ नहीं है कि कैसेमिरो लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर क्यों खेल रहा था, वो तो राइट साइडेड मिडफील्डर खेल रहा था यूनाइटेड के लिए मोस्टली।
वाई वॉज ही स्टेशन्ड एज अ लेफ्ट साइडेड मिडफील्ड, इसमें क्या एरिक टेन हाग सोच रहा था? मे भी वो सोच रहा हो कि हम चीर फाड़ देंगे जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की जो वो है, लेकिन फिर आपको रैशफर्ड को भी लेफ्ट साइड पे खिलाना चाहिए था जो कि आपने नहीं खिलाया, और वो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आई। दैट वॉज अ बैफलिंग यू नो टैक्टिक। क्लॉप ने टैक्टिकली आउटक्लास किया एंड बिल्ड अप प्ले क्लॉप का बहुत अच्छा था। उनकी मिडफील्ड को स्ट्रेच करना था, लेफ्ट साइड से हैंडो स्ट्रेच करा था, वो लेफ्ट फ्लैंक पे स्टेशन था और राइट फ्लैंक पे हार्वी एलियट स्टेशन था। एंड दैट वॉज द मोमेंट के जहां से जब आपने स्ट्रेच किया उनकी मिडफील्ड को, वो आउट नंबर भी हो रहे थे और वो आउट ऑफ पोजीशन भी खींचते चले जा रहे थे। गाकपो के बाद फिर्मिनो आया, तो फिर्मिनो डायगनल रन्स मार रहा था, ही वॉज मेकिंग दोज डायगनल रन्स। और इसका फायदा ये होता है कि आप डिफेंडर्स को अपने साथ एक तो खींच भी लेते हो, दूसरा आप ये करते हो कि आप ऑफ साइड ट्रैप को भी तोड़ देते हो बड़े आराम से, और ये फिर्मिनो इस चीज का बादशाह है। That is why he is the king of all night. I am really sad कि वो जा रहा है, लेकिन उसका जब गोल हुआ ना तो दिल को कसम से सुकून मिला और ठंडक मिला। एंड मेरे लिए बड़ा एक इमोशनल दिन था कल, आपने कमेंट्री में देख लिया होगा, मैंने शुरू में स्निपेट्स डाले हैं। तो ये दो गलतियां जो की है ना, एक तो कैज़ेमिरो को LCM खिलाना और दूसरा रैशफोर्ड को सेंट्रली खिलाना और उधर ब्रूनो को लेफ्ट विंग पे खिलाना, वो बहुत बड़ी गलतियां थी। एंड जिसकी वजह से जो फ्रंट थ्री थी उसकी जो प्रेसिंग की ओरिएंटेशन होती है कि आपने जो प्रेस को ट्रिगर करना है उसकी जो डायरेक्शन वो ठीक है कि नहीं, वो लिवरपूल की टॉप नॉच थी और यूनाइटेड की डिसमेंटल थी। होता अक्सर उल्टा है, इस सीजन उल्टा हुआ है, लिवरपूल की शिट होती है प्रेसिंग फ्रंट थ्री से, तभी हम गोल्स कंसीड कर रहे थे। लेकिन पिछले चार मैचेस से, पांच मैचेस से हमने कोई गोल कंसीड नहीं किया, नजर ना लगे टच वुड। तो वो इसीलिए है कि हमारी जो प्रेस की ओरिएंटेशन है वो खासतौर पर जोटा के आने के बाद काफी बेहतर हुई है, और डार्विन नूनेस भी लेफ्ट हैंड साइड पर बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहा है। तो जब भी डार्विन नूनेस खेलता है हमारी जो प्रेस है उसमें एनर्जी आ जाती है और उसकी ओरिएंटेशन डायरेक्शन ठीक होती है, विच मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता गाकपो डार्विन नूनेस जो है वो लिवरपूल वे के अंदर ढलना शुरू हो गए। एंड क्लॉप नोज नाउ कि यार इनका जो प्ले ऑफ पैटर्न है वो क्या है और क्या निखर के सामने आएगा। हार्वी एलियट को मैं हमेशा कहा है, मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया उसे कि वो मिडफील्ड थ्री में नहीं खेल सकता, और वो मिडफील्ड थ्री में टेक्निकली खेल भी नहीं रहा था। ही वॉज प्लेइंग एज अ राइट विंगर, और राइट विंगर उसकी बेस्ट पोजिशन है, चाहे उसमें उसने अपना डिफेंसिव वर्क दिखाना हो या उसने अपना आगे थ्रस्ट करना हो फॉरवर्ड। फेबिनियो बहुत अरसे बाद वुल्व्स के अगेंस्ट नजर आया कि शायद फेबिनियो कुछ हद तक वापस आ गया, लेकिन इस मैच में प्राइम फेबिनियो खेल रहा था, तारीफ करनी पड़ेगी बंदे की, हगा है उसने पूरा सीजन मैं जानता हूं, लेकिन इस गेम में ही वॉज टॉप नॉच एंड ही वॉज एवरीवेयर, कवरिंग द ग्राउंड, विनिंग द ग्राउंड ड्यूल्स, प्रेस ठीक थी। बाज दफा फेबिनियो के साथ अक्सर ये होता है उसका प्रेस ठीक नहीं होती, उसके जो टाइम होता है प्रेस करने का वो ठीक नहीं होता है। देर इज अ टाइम टू प्रेस एंड देर इज अ टाइम टू नॉट प्रेस, तो वो फेबिनियो का काफी ज्यादा अच्छा मुझे लगा इस गेम के अंदर। हैंडरसन कमाल था यार, मतलब एनर्जी वापस आई, वही 30 साल का लगा के भाई जो 2020 वाला जो हैंडरसन था, नाउ ही इज गोइंग टू अप्रोच 33 इयर्स ओल्ड, वो एनर्जी वापस नजर आई कि ऐसा लगा भाई लिवरपूल वापस आ गया, खासतौर पर जब वो पहला गोल हुआ गाकपो का, एंड व्हाट अ व्हाट एन एक्सक्विजिट फिनिश दैट इज। भाई मैं 40,000 बार वो गोल देख चुका हूँ, कुटिनियो की याद आ गई वो गोल देख के, इतना वो एक्सक्विजिट फिनिश है कि आप बस देखते रहते हो उसको। डार्विन नूनेस, मैं डोमिनोज से पूछना चाहता हूँ कि अब वो कहाँ है, वेयर इज डोमिनोज? डोमिनोज वालों, मैंने तुम्हारा बॉयकॉट किया हुआ था, वो इसीलिए किया था क्योंकि मैं जानता था एक दिन मेरा डार्विन नूनेस जो है वो वापस आएगा, और वो वापस आ गया है और तबाही मचा रहा है। 8 गोल्स प्रीमियर लीग के अंदर वो कर चुका है एंड ही इज गोइंग टू हिट द डबल फिगर्स इन प्रीमियर लीग वेरी वेरी सून। तो भाई अब तुम छुप के बैठ जाओ, तुम किसी जगह छुप के बैठ जाओ अब। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जो ब्रेस किया डार्विन नूनेस ने, ही हैज अनाउंस्ड हिमसेल्फ ट्रूली इन अ लिवरपूल शर्ट, एंड फैन फेवरेट तो वो बन ही चुका था खासतौर पर रियल मैड्रिड के गोल के बाद, एंड नाउ ही इज देयर एंड ही इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही इज गोइंग टू बी अ न्यूसेंस फॉर द ऑपोजिशन। लिवरपूल के लिए ये एक बहुत हिस्टोरिक विन तो है ही, लेकिन सलाह की बात करनी पड़ेगी, 129 गोल्स वो कर चुका है, हाईएस्ट इन द प्रीमियर लीग बाय एनी लिवरपूल प्लेयर, रॉबी फाउलर द गॉड को उसने सरपास कर लिया है प्रीमियर लीग की टैली में, एंड ही इज अ लेजेंड। पहला कह सकते हो कि ही इज दैट यू नो मिडिल ईस्टर्न गाय, दैट अरब, दैट लेजेंडरी इजिप्शियन जिसने ये कर दिखाया है, जिसने किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो 20 गोल मारेगा और 20 गोल से भी ज्यादा मारेगा 6 seasons in a row, लोग उसे one season wonder कहते थे, but now he has done something which is just amazing.
स्टीवन जेरार्ड का रिकॉर्ड था मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, कि उसके मोस्ट गोल थे इस पूरे जो लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री है खासतौर पर प्रीमियर लीग के अंदर, शायद उससे पहले की भी, तो 9 गोल्स थे जेरार्ड के, इसके 10 गोल हैं मोहम्मद सलाह के, 10 गोल। और लास्ट टाइम 1895 में लिवरपूल ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 7-1 हराया था सेकेंड डिवीजन के अंदर, और अब ये उनकी बिगेस्ट एवर विक्ट्री है वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। यू डोंट नो व्हाट दिस मींस फॉर लिवरपूल, लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि लिवरपूल फैंस को अपने जो फीट हैं वो ग्राउंड पर रखने चाहिए, उनको हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि हम रियल मैड्रिड से मार खा के आए हैं एनफील्ड पे, और हमने अभी बर्नबाउ दोबारा जाना है, आगे 3 गेम्स काफ़ी मुश्किल है, 3-4 गेम्स है, आर्सेनल है, चेल्सी है, चेल्सी अवे है, सिटी अवे रहती है, स्पर्स रहती है, तो काफ़ी मुश्किल गेम्स आगे आ रही हैं जो हमें खेलनी होंगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है, टॉप 4 रेस अभी भी हमारे हाथ में नहीं है, बट वी आर इन इट, तो लेट्स गो 1 गेम एट अ टाइम, लेट्स रिज्यूविनेट आवरसेल्व्स एंड लेट्स फाइट अंटिल द एंड। और जो लोग कह रहे थे, जो भी कह रहा था कि यर्गन क्लॉप को सैक कर देना चाहिए, वो जाके गोबर खा ले, गो एंड ईट सम गोबर। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। यू नेवर वॉक अलोन, अप द रेड्स, हस्ता ला विस्ता।